हाय एवरीवन, मेरा नाम है अरमानूर। और अगर आप रिसेंटली किसी भी एग्जाम को लेकर सीरियस हुए हो और आपके मन में ये क्वेश्चन घूम रहा है कि हमें कितने घंटे पढ़ना होता है, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम यही पता करने वाले हैं। सही आंसर को आखिरी तक सुनकर जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 17 घंटे पढ़ने को, इस भाई की तरह। चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, तुम केला खाओ, केला खाओ, केला खाओ, खाओ, खाओ। ए भाई साइन है, इजुकाल तू बी भाई साइन बी, इजुकाल तू सी भाई साइन सी, इजुकाल तू टू इंटू चार काम रेडियस। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। मेरा कमर, मेरा दिल मुंह से निकल गया, मैं मर रहा हूँ। अरे मम्मी रे, नहीं नहीं आप लोग 17 घंटे मत पढ़ो, बिल्कुल भी मत पढ़ो। मुझे मालूम ही नहीं था 17 घंटे पढ़ने से ये होता है। आप लोग 4 घंटे पढ़ाई करो, 4 घंटे, इस बंदे की तरह। चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, तुम केला खाओ, केला खाओ, केला खाओ, खाओ, खाओ। मेरा नाम मुकेश है, मैं इस साल का बोर्ड्स का एग्जाम का टॉपर हूँ। मैं स्कूल में फुटबॉल का कैप्टन, क्रिकेट का कैप्टन, जुआ का कैप्टन, सट्टा का कैप्टन, सब चीज का कैप्टन हूँ। मेरे दोस्त सारा दिन पढ़ते हैं, लेकिन मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ और कभी कभी तो पढ़ता भी नहीं हूँ। पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, मैं पढ़ाई लिखाई करता भी नहीं हूँ, फिर भी मैं टॉपर। 4 घंटे पढ़ेगा तू? गलती से भी घर में नहीं घुस जाना तू, रास्ते में कुत्तों के साथ हड्डियां चबाना, लेकिन घर में नहीं घुस जाना। पड़ोसी के बच्चे, लड़के लड़कियां सब IIT NIT IIIT जादवपुर में एडमिशन ले रहे हैं, तुझे प्राइवेट कॉलेज में जाना है, 25 लाख उड़वाना है। मेरा ये ले 25 रुपए और इससे अपना गुजारा कर ले। इस 25 रुपए में डायरी मिल्क तो आ जाएगा ना, तो मैं जाके सुनेहा को इम्प्रेस करता हूँ। तो 4 घंटे पढ़ना भी आप लोगों के लिए सेफ नहीं होगा लगता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं 9 घंटे पढ़ाई किया हूँ पूरे 2 साल कंसिस्टेंटली। कभी कभी वो 8 घंटे, कभी कभी वो 10 घंटे हो जाता था, लेकिन मैं 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे के एक परफेक्ट सिटिंग लगाता था, जब मैं पूरे फोकस से पढ़ाई करता था, कोई डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था, और बीच में एक लंबा ब्रेक ले सेकेंड सिटिंग में बैठता था मैं, और सेकेंड सिटिंग में और ज़्यादा फोकस बना रहता था मेरा ब्रेक के कारण। और कहने को तो मैं 14 घंटे पढ़ भी सकता हूँ आसमान को देखते हुए, जब मेरा पढ़ाई में कोई फोकस ही नहीं होगा, मैं उलझुल चीज़ें सोचता रहूँगा। बैठ के सिर्फ हाथ में किताबें रखना पढ़ाई के बराबर नहीं होता, इफ़ेक्टिव स्टडी चाहिए हमें। तो फाइनली जो सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, आप लोग इफेक्टिव स्टडी पे फोकस कीजिए, ना कि कितने घंटे पढ़ाई हुआ उस पे। अगर सर बोल रहे हैं 15 घंटे पढ़ने को, तो वो उन लोगों के लिए है जो 3 महीने में सिलेबस को कवर अप करना चाहते हैं। अगर आपके पास 2 साल है एग्जाम तक, तो 8 से 9 घंटे की इफेक्टिव स्टडी, और अगर आपके पास 1 साल है एग्जाम तक, तो 11 से 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी। ये अगर आप कर सकते हो फुल फोकस के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो आपका अच्छा रिजल्ट आना पक्का है। तो वीडियो की समाप्ति। ये मेरा पहला एनिमेटेड स्टोरी टाइम वीडियो है, हफ्तों की मेहनत लगी है यार इसको बनाने में। अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ये वीडियो अपने उन सीनियर्स और जूनियर्स से शेयर करिए जो पूछते रहते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।